आपके लिए एक नई डिश लेके आया हूँ। इस डिश का नाम है स्पेशल वाइट मीट चिकन। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले इसमें हमें चाहिए 1 kg चिकन, जो कि इस तरह एक तिक्का बोटी के हिसाब से कटी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी बोटी नहीं होनी चाहिए ताकि ये जल्दी पक जाए। ये इतना इतना पीस आपने सब बोटी का करवा लेना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें चाहिए नेशनल की काली मिर्च है, ग्राइंड जो सा पैकेट में मिलता है, ये 2.5 teaspoon है। उसके बाद नमक है जो 2 tablespoon है। उसके बाद हमें पानी चाहिए जो कि ये 1/2 cup पानी है। उसके बाद ऑयल है जो 1/2 cup ऑयल है हमें ये चाहिए। और सबसे आखिरी चीज़ सिरका है, जो कि सिरके की हमें बोतल मिलती है उसके ऊपर ढक्कन लगाता है, उसके 4 ढक्कन आपने निकाल के इसमें डाल देने हैं। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने इस स्पेशल चिकन को बनाने के लिए हमें चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चिकन। चिकन डाल के इसके बाद अगला स्टेप है, हम इसमें पानी डालेंगे। पानी के बाद नेक्स्ट जो सी चीज़ है वो हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल गया। अब तीसरी चीज़ हम इसके बाद इसमें सिरका ये डालेंगे, जो मैंने आपको बताया था 4 ढक्कन है उसके सिरके की बोतल के, वो आपने डालने हैं। ये 2 spoons मैंने, ये टेबल स्पून जो से हैं ये हमने ऑलरेडी नमक के निकाल लिए हुए हैं, ये मैं डालूंगा बीच में। उसके बाद 2.5 जो था हमारी ये काली मिर्च है नेशनल की, वो इसमें डालेंगे। ये मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाई है, मुख्तलिफ पैकेट्स यूज़ किया, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ेदार इसमें जो था मज़ा देता है वो नेशनल की काली मिर्च है। इसके बाद अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप जो था है वो आग लगाएंगे। अगर आग ना लगाई तो चिकन तो नहीं बनेगा ना, तो इसके लिए आग लगानी बहुत ज़रूरी है। इसको मैं आग लगाऊंगा। आग लगा के इसको मैंने दरमियानी आँच में रखना है, तेज आँच में नहीं रखना। ये दरमियानी आँच हो गई। अब इसके बाद इसको एक दफ़ा मैं सिर्फ यूँ मिक्स करूंगा ऐसे। अब इसको इस तरह करने के बाद इसको मैं ढकना दे दूंगा। अब इसको मैं स्टीम होने के लिए रख दूंगा कुछ देर के लिए, तकरीबन 5 या 7 मिनट के लिए, ताकि ये पानी जो था इसकी बोटी के अंदर भी, धोने के फौरन बाद आपने इसको इस प्लेट में डाल लेना है, उसको इसमें डाल के तो फिर पकाना शुरू कर देना। अब 5 मिनट के लिए इसको मैं इसमें रखूँगा ताकि ये पानी जो था खुश्क हो जाए और जितना इसमें हमारा सिरका है काली मिर्च है वो बोटी के अंदर चली जाए। अब इसको 5 मिनट के लिए हम पकने देते हैं, फिर 5 मिनट बाद आके हम इसको देखते हैं। हाँ नाज़रीन, अब 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको ढक्कन को उठाते हैं और देखते हैं कि इस टाइम इसमें क्या पोजीशन है इस चिकन की। ढक्कन उठाया, अब ये देखें आपके सामने मैंने 1/2 teacup जो था मैंने पानी डाला था। अब पानी इसमें ज़्यादा है, मैंने आपको पहले बताया था कि चिकन धोते ही हमने प्लेट में रख के और उसमें डाल देना। अब चिकन धोया था उसका अपना पानी प्लस वो 1/2 cup पानी इसमें मिक्स हो गई। अब कितना पानी बन गया, 1/2 cup से ज़्यादा अपने पानी नहीं डालना। अब इसको मैं एक बार फिर ऐसे ही मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद इसको फिर बॉयल होने पकने के लिए रख दूँगा, यह पकता रहेगा। अब ये तकरीबन 10 मिनट लगेंगे और ये तैयार हो जाएगा। तो जब तैयार होगा तो उस टाइम हम इसको दोबारा आके देखेंगे। अब इसको मैं दोबारा ढकना रख दूंगा ताकि ये बोटियाँ स्टीम से पक जाएं और जितना भी इसमें काली मिर्च का जायका है वो बोटी के अंदर चला जाएगा और वो ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि हमारी चिकन की क्या पोजीशन है। हम ढकना उठाते हैं, ये जी तकरीबन पानी खुश्क हो चला है। अब ये तकरीबन धोने वाली पोजीशन में आ गया। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए मुकम्मल तौर पर। इसको ज़्यादा ज़ोर से भी चम्मच दी आपने अंदर फेरने का, ज़्यादा ज़ोर से फेरेंगे तो ये बोटियाँ टूट जाएंगी। अब पानी खुश्क हो गया, अंदर ऑयल रह गया। अब ऑयल में इसको थोड़ा सा मैं फ्राई टाइप कर लूँगा ताकि ये फ्राई भी हो जाए और मुकम्मल तौर पर पक जाए। अब ये देखें इसकी जो सी इसकी शक्ल है वो कितनी प्यारी लग रही है। अब ये तकरीबन पानी खुश्क है, ये बोटियाँ तैयार हैं पक के, हमारा पानी खुश्क।
सब कुछ रेडी। अब ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डाला था कि ताकि ये जो सा है बोटियाँ ये साथ चिपके ना, देख ठीक है। अब देखें मैं इसको एहतियात से डाला, बोटियाँ भी नहीं चिपक रही और हमारा सारा मसाला जो था वो बोटियाँ भी चिपकता जा रहा है। देखिए चला था ओके, अभी हमारा चिकन तैयार है। अब हम ऑयल आपको बंद करते हैं, अब हम इसको प्लेट में रखेंगे सर्व करने के लिए। रेडी है, हम इसको निकालेंगे, हम इसको ऐसे बीच में रखते जाएंगे। अभी 1 kg है चिकन वाला, अभी हमारा चिकन तैयार है खाने के लिए, रेडी टू सर्व। आप इसे बनाएं और अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को खिलाएं। और ये चिकन बहुत मज़ेदार चिकन है।